हेलो गाइस, दिस इज सचिन तनवर, AIR 70 कंप्यूटर साइंस गेट 2020, परसुइंग एमटेक एट IIT दिल्ली। सो टुडेज वीडियो जो भी हम बात करने वाले, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आपको ऐसा लगे कि आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। दिस इज़ रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन, कि आप पक्का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू आवर गेट एग्जामिनेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एग्जाम, दिस इज़ रिलेटेड टू एनी अदर एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट डिस्ट्रैक्शन। तो आपका जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है जो मुझे लगता है मैंने भी फेस किया है, ऑब्वियसली बात है, आई एम नॉट द परफेक्ट गाय, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ कई बार। तो उसी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। तो दो तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया कि दो वजह रह सकती है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आप डेविएट हो रहे अपने स्टडीज से। फर्स्ट वन कैन बी कि आपका मन है कि आप वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप छोड़ना चाहते हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा है कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। आपने शुरू तो किया लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद लगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो मेरे साथी हैं वो ज़्यादा जल्दी पढ़ पा रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी समझ रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं क्लासेस में, या फिर जहाँ भी है अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी रैंक नहीं आ रही है, नंबर नेगेटिव में या फिर कम आ रहे हैं। तो लैक ऑफ मोटिवेशन, या तो आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या फिर यू फाउंड समथिंग बेटर कि अरे नहीं, मुझे ये छोड़ करके शायद ये ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप ये टेस्ट अब देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये सोचना नहीं है कि आपके नंबर अभी नहीं आ रहे। देखिए, कोई भी जो आपका लर्निंग कर्व रहेगा, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है, तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट की स्पीड डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद इट डजेंट मैटर। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको टाइम लग रहा है तो मे बी लगने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा और वक्त दीजिए। आपका अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए, बैठिए, बस अपने आपको बोलिए कि मुझे थोड़ी देर और बैठना है, करना है। अगर जिस दिन आपने सोचा कि मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आपको 10 दिन का और टाइम दीजिए, थोड़ा सा बैठिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, जो आप नहीं कर पाए हो उनको दोबारा से देखिए, जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक आप नहीं कर पा रहे थे उनको आप दोबारा से देखिए। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि आप शायद कर पा रहे हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा दिस इज़ मेंटल टेंडेंसी कि अगर हम कोई चीज़ पहली बार में नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। और ये आप ही के साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। कोई भी महान से महान इंसान हो या कोई भी कोई भी टॉपर हो, उसके साथ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बारी में सीधा आकर के क्रैक करता है। होंगे नो डाउट बहुत सारे लोग होंगे, बट उनकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा रहता होगा कि वो पहली बारी में कुछ नहीं कर पाए हैं, बट दैट डजेंट स्टॉप देम। तो वो चीज़ें उनको रोकती नहीं हैं, ऐसी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, और थोड़ा सा और टाइम दीजिए अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस होकर के उस पर और काम कीजिए, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इससे बेटर है, बहुत बार आपको लगेगा कि मेरा फ्रेंड शायद ये काम कर रहा है विथ साउंड स्कूल, नॉर्मली जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था गेट के लिए, सो इट टेक्स टाइम एक्चुअली, और बहुत थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो कि मेरे शायद फ्रेंड हैं जो कि कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आर ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे हैं, कूल फोटोज़ डाल रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स घूम रहे हैं, कैफेज़ की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, तो आपको लगेगा, क्योंकि दिस इज़ द एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जस्ट बिलीव मी, कि सोशल मीडिया पे लोग इतने सारे हैं कि अगर आप एक बार खोलोगे ना आपको लगेगा कि सब खुश हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, और कुछ कूल नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा आपको लगेगा। बट सबका अपना अपना होता है कि भाई अगर आपको लग रहा है दे आर कूल, वो मज़े कर रहे हैं, ओके, बट आप उनसे बेटर कर पाएंगे कुछ सालों बाद अगर आप ये चीज़ कर लेते हो जो आपने डिसाइड किया है करने के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वाई यू एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, क्योंकि जब आप बार बार भूलेंगे ये चीज़ कि मैंने शुरू ही क्यों किया था, आप हमेशा आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा एक कहीं भी अपने कमरे में जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, आप अपने सामने एक पेस्ट कर सकते हैं एक पेपर पे लिख कर कि वाई यू एक्चुअली स्टार्टेड द प्रिपरेशन, व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न, क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे जो आज आ रहे हैं, वही डाउट्स आपके फर्स्ट डे भी थे जब आपने सोचा था कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, जो आपने पहले क्लियर किए थे, तो फिर आज वो डाउट क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि आपको आज लगता है कि शायद कोई और ज़्यादा बेटर लाइफ में कुछ और कर रहा है या फिर मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, बट ये सब तो आपने पॉसिबिलिटीज़ पहले ही सोच ली थी। तो आज आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, प्लस आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है क्योंकि आपसे पहली बारी में नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आप टाइम डिवोट करेंगे तो डेफिनेटली होगा, किसी और की लाइफ अच्छी होगी, डेफिनेटली होगी, बट आप उनसे बेटर कर सकते हैं कुछ सालों बाद, या फिर आपको क्या पता कि वो रियल में लाइक नॉर्मली दिस इज़ अ मिराज ओनली। अगर आपको पता है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अ मिराज, जो दिखाते हैं और जो असलियत में रहता है नॉर्मली लाइफ में दिस इज़ कम्प्लीट चेंज नॉर्मली। जैसे आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी अच्छी ही कोई फ़ोटो डालना चाहोगे, एंड सम अदर पर्सन जो जॉब कर रहा होगा वो सोच रहा होगा कि कितनी सही लाइफ है, कोई जॉब का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। सो एक दूसरे की लाइफ लगती है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर बी पेशेंट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है, थिंक व्हाई यू एक्चुअली स्टार्टेड इट। आपने अपने घर वालों से शायद बोला होगा कि मुझे ये करना है, या फिर आप पहले जॉब कर रहे होगे जो आपने छोड़ दी होगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो। सो रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू एक्चुअली लेफ्ट दैट, व्हाई यू एक्चुअली स्टार्टेड, व्हाट वर द पॉइंट्स यू वर थिंकिंग एट दैट टाइम। क्योंकि जब भी आप शुरू करते हैं कुछ, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सोचा और शुरू कर दिया। लाइक आई स्टिल रिमेंबर, एक छोटा सा इंसेप्शन मूवी देखा होगा, एक छोटा सा नॉर्मल एक पॉइंट होता है, एक आइडिया होता है जो आपके दिमाग में आता है, कुछ महीनों बाद वो आपको उस तरफ ले जाए पता भी नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लाइक मैंने डिसाइड किया, लाइक आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2018 फॉर गेट, बट जो आइडिया आया था नॉर्मली दैट वॉज इन 2017 कि मैं बच्चों को देखता था जाते हुए, तो वो आपको कभी नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहती है कि आपने क्यों एक्चुअल में शुरू किया, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं बट आपका कुछ और करने का मन कर रहा है, कुछ और लाइक फॉर नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बट फॉर शॉर्ट टर्म। लाइक आपको मन कर रहा है कि शायद मूवी देखना चाहिए मुझे, या फिर आपका मन कर रहा है कि ये ना बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, आई शुड ट्राई दिस। मेरे घर वाले कहीं घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स अभी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। या फिर अभी मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है तो मैं सो जाता हूँ, लाइक दो दिन मैं पढ़ाऊँ खूब तो आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। तो अगर ये चीज़ें हैं तो दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा आपको डरना नहीं चाहिए। लाइक इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, येस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आई थिंक थोड़ा सा लाइक वन और टू डे गैप इन टू और थ्री वीक्स चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू और थ्री वीक्स के बाद आप एक या दो दिन का गैप ले सकते हो, इन विच यू कैन प्लान आउट समथिंग विद योर फ्रेंड्स। मूवी देखना है, यू कैन डू दैट, आराम से देखिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, डू दैट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको मेमोरी में कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो रिटेन रखने के लिए दिमाग को शांत रखना भी ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूसली काम करता रहेगा, येस इट वुड हेल्प यू, बट द थिंग इज ओवर हीटिंग भी होती है, यू नो दैट। हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह ही है, तो अगर थोड़े थोड़े ब्रेक्स के साथ चलते रहेंगे तो इट वुड बी बेटर, ज़्यादा लंबा चलेगा। एकदम से आप ओवर हीट करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, लाइक आप एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ सोचोगे कि मैं डेली 12 घंटा 14 घंटा पढ़ूंगा या फिर उसको और इंक्रीज़ करता हूँ, सम डे विल कम जब आपको दिमाग फटने लगेगा या फिर बहुत आप परेशान हो जाएंगे। सो आराम से बैलेंस वे में पढ़िए, ठीक है। आपका मन कर रहा है करने के लिए तो ये जैसे मैंने बताया आपको, दो या तीन हफ्ते के बाद एक या दो दिन का गैप चलता है। नेवर टेक अ ब्रेक मोर देन टू डेज़। अगर आप लोगे तो बहुत सारे आपको लगेगा कि शायद मुझे वही चीज़ करना चाहिए। लाइक आपने अगर दो दिन मूवीज़ देखा ना, तीसरे दिन आप रखोगे कि मेरे को ना एक और मूवी देख लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ब्रेक लेना है तो वो ब्रेक एक्सीड नहीं करना चाहिए दो दिन से ज़्यादा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक अभी जो ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वेब सीरीज़ देखते हैं। वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, सो आई वुड एडवाइज यू इन योर प्रिपरेशन टाइम यू शुड नॉट गो फॉर एनी वेब सीरीज़, क्योंकि वेब सीरीज़ में आप जब आप देखने लोगे कि दैट विल टेक अराउंड 8 to 10 hours एटलीस्ट, 8 to 10 hours, और उसके बाद आप अगर सोच रहे हो कि दो दिन के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि दिमाग में आप उसके सामने फॉर्मूलाज होंगे, हाथ में पेन होगा, बट कहानी चल रही होगी, किसने किसका मर्डर किया, कौन किसके साथ कहाँ गया, ठीक है, गाने चल रहे होंगे आपके दिमाग में, कुछ भी हो सकता है। सो बिंज वॉच नहीं करना है, वेब सीरीज़ तो एटलीस्ट यू शुड अवॉइड। मूवीज़ चलेगा, ठीक है, और छोटा सा ब्रेक अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, यू कैन गो टू सम रेस्टोरेंट्स, खाना खाइए। लाइक मैं बहुत फूडी हूँ तो मैं नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करता था अपने प्रिपरेशन टाइम में, जब मुझे लगता था कि दिमाग गर्म हो रहा है, सो आई शुड वॉक आउट, सो आई यूज़ टू वॉक इन वुड्स।
तो थोड़ा सा हेल्दी रहिए, फिट रहिए, दैट वुड मोटिवेट यू. ये छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ज़रूरी है. तो अगर आपके ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, तो दोज आर नॉट एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन, यू शुड जस्ट कंप्लीट दैट. मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, लाइक आफ्टर यू विल कंप्लीट दैट ना, आपको लगेगा कि हाँ अब ये तो हो गया, सो यू शुड कम बैक टू योर स्टडीज़. क्योंकि अगर आपका रीज़न एक्चुअली पीछे पढ़ने का, या फिर जिस वजह से आपने शुरू किया अपना प्रिपरेशन, वो अगर सही है, तो आप नॉर्मल कोई भी छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा या फिर मूवी देख रहे हो, तो आपके दिमाग में पीछे चलेगा कि हाँ अभी तो मूवी चल रही है, बट शायद ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, मुझे अब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. तो आपका अपने आप ही मन करेगा पढ़ने का, ठीक है. तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है, इनसे आप नॉर्मली आराम से फाइट कर सकते हैं कि ठीक है कंप्लीट किया, चला गया, दोबारा तो नहीं आएगा. लाइक कोई नई मूवी आई, अगर आपको लगा देखना है तो देखा, काम खत्म, अब क्या डिस्ट्रैक्शन, गो बैक टू योर स्टडीज़. आपने लगा कि कुछ नया आया है मार्केट में जो आपको ट्राई करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड, लाइक मैं नॉर्मल प्रेफर करता हूँ, तो आई वेंट देयर, एट दैट, खत्म, कहाँ रहा डिस्ट्रैक्शन. अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मैं 10 दिन तक सोचूंगा कि यार मुझे ट्राई करना था, ठीक है. तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. तो एक बार में किया, काम खत्म, दैट इज़ फिनिश्ड. सो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रख सकते हैं. छोटे छोटे जो चेंजेस हैं उनको ओवरकम कीजिए, जस्ट डू दैट. अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में लंबा गैप होने वाला है, थिंक अबाउट इट कि क्या वो सच्ची में ब्रेक लेना सही है या गलत है, ठीक है. रिमाइंड योरसेल्फ एट अ रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आपने क्यों शुरू किया था अपना प्रिपरेशन, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई यू एक्चुअली स्टार्टेड, व्हाट वर द रीजंस देयर, ठीक है. अपने मेंटर रखिए, हु कैन गाइड यू, बहुत आपको हेल्प करेंगे मेंटर कि अभी आपको क्या करना चाहिए जब आप कंप्लीटली ब्लैंक फील करोगे बहुत बार. सो दैट इज़ द वीडियो गाइज, थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रैक्शन. बाय.